मध्य प्रदेश के हरदा जिले से कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि विभाग के अधिकारियों एवं समस्त बीमा कंपनी एवं बैंक के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करके राहत राशि एवं सर्वे के महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। बीमा राशि को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जय जवान जय किसान चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है एवं कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। हरदा से कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि किसानों को लेकर लगातार सीएम साहब से चर्चा चल रही है एवं कृषि मंत्री होने के नाते मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि किसानों को इस विकट घड़ी में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2022 का फसल बीमा भी मिलेगा और अभी जो भारी बारिश की वजह से जो नुकसान हमारे अन्नदाता सहन कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत दुखद घड़ी है। हम सबको मिलकर इस चुनौती से पार पाना है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को जिला स्तर निर्देश देते हुए कहा है कि खेतों में या पशु हानि जनहानि या किसी भी तरह की आर्थिक क्षति होने पर किसानों को राहत राशि या मुआवजा राशि देने का काम शुरू होने वाला है, चिंता ना करें। एवं कृषि मंत्री जी ने हरदा से आदेश दे दिए हैं, जल्दी राहत राशि देने का काम शुरू करेंगे। उम्मीद है किसान भाइयों कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा कही गई बातें आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी प्यारी राय जरूर दें और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी सर्वे का और मुआवजे का काम शुरू होने वाला है। अब वो सर्वे कौन सी फसल का और किस तरीके से होता है ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जो अभी कमल पटेल जी ने कहा है ये कल की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और जन आशीर्वाद यात्रा हरदा से होती हुई प्रारंभ हो रही है और आगे बढ़ रही है और आने वाली 25 सितंबर को सारी जन आशीर्वाद यात्राएँ सभी दूर से होकर भोपाल में खत्म होने वाली है और 25 सितंबर को बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाकुंभ करने वाली है और वहां पर किसानों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले और कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती है। तो आप 25 सितंबर तक का इंतज़ार करिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें।